दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। हम किसी अनजान जगह पर जा रहे हैं, जो ही गूगल मैप पर हमने उस जगह का नाम लिखा, उस लोकेशन एंट्री की, तो हमें गूगल मैप एक सीधा स्ट्रेट जिसमें सबसे कम समय लगेगा, जिसमें सबसे कम आपको ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, वो एक रास्ता आपको बताता है। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बेसिकली एक यूटिलिटी है, एक सुविधा है जो संयुक्त राज्य की सरकार प्रोवाइड करवाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार। ये बेसिकली तीन सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है PNT यूजर्स को। पी का मतलब पोजीशनिंग, क्या पोजीशन है, नेविगेशन यानी आप उस जगह पर कैसे पहुंच सकते हैं, और आप जहां भी हैं या किसी वस्तु के बारे में आप जानना चाहते हैं वो जहां भी है उस स्पेसिफिक लोकेशन पर टाइम क्या है। ये लोकेशन की क्या चीज बताती है, लैटिट्यूड बताती है, अक्षांश, लॉन्गिट्यूड बताती है, देशांतर, और एल्टीट्यूड बताती है मतलब मानक समुद्र तल से वो कितनी ऊंचाई पर है। मीन्स ये थ्री डायमेंशनल पोजीशन हमें बताती है। कौन सी? ये यूटिलिटी, ये फैसिलिटी जो संयुक्त राज्य की अमेरिका की सरकार आज के दिन संपूर्ण विश्व के सिविलियन नागरिक हैं वो इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं और इससे जीवन में काफी आसानी हुई है। नेविगेशन का मतलब है पहले हम कहीं जाते थे तो रास्ता पूछते पूछते जाते थे, हर 10 किलोमीटर पर पूछते थे क्या मैं सही जा रहा हूं किसी भी राहगीर से या स्थानीय नागरिक से। लेकिन जीपीएस ने हमें ये काफी महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान की है। ये 1973 में शुरुआत हुई थी जीपीएस की। इसका वैसे जो नाम है वो है नव स्टार नेविगेशन सिस्टम यूजिंग टाइम एंड रेंजिंग। ये नेविगेशन करता है सैटेलाइट के थ्रू, यानी कुछ सैटेलाइट छोड़े गए हैं वो लोकेशन जो है उसकी स्थिति को लगातार मॉनिटर करते रहते हैं और वहां से सिग्नल भेजते रहते हैं। उस सिग्नल को रिसीव करने के बाद उस लोकेशन की लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के बारे में हम पता कर सकते हैं, किसी भी वस्तु की पोजीशन के बारे में पता कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी गति के बारे में पता कर सकते हैं और समय के बारे में पता कर सकते हैं। दोस्तों जीपीएस बेसिकली इसमें तीन सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है स्पेस सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट का मतलब है कि इसमें 24 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं, कृत्रिम उपग्रह छोड़े गए हैं जिनकी संख्या 24 है, ऑपरेशनल 24 हैं। अगर कोई किसी में मिस्टेक हो जाती है तो दूसरा ऑपरेशनल छोड़े गए ज्यादा है 24 से, लेकिन 24 सैटेलाइट्स ऑपरेशनल रहते हैं। ये जियो स्टेशनरी है, यानी अगर पृथ्वी के संदर्भ में बात करें तो पृथ्वी से ये हमेशा पृथ्वी के साथ सिंक्रोनाइज वे में गति नहीं करते हैं, स्थिर है। ये कंट्रोल्ड किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं और ऑपरेट किए जाते हैं यूएस स्पेस फोर्स द्वारा। जीपीएस में तीन सेगमेंट हैं। पहले सेगमेंट को स्पेस सेगमेंट कहा जाता है जिसमें 24 सैटेलाइट हैं, 24 कृत्रिम उपग्रह हैं जिनका नियंत्रण, जिनकी मेंटेनेंस और जिनका ऑपरेशन यूएस स्पेस फोर्स करती है। दूसरा इसका सेगमेंट है कंट्रोल सेगमेंट। कंट्रोल सेगमेंट का मुख्य काम है इन सैटेलाइट्स को मॉनिटर करना, इनको कंट्रोल करना पूरे विश्व में, इनकी मेंटेनेंस करना, क्योंकि मशीनें हैं, कभी भी कोई अगर छोटी मोटी खराब हो जाती है तो उसको दुरुस्त करने का काम कंट्रोल सेंटर का काम है। तीसरा काम है अपलोडिंग और अपडेटिंग नेविगेशनल डाटा। जैसे आपने महसूस किया होगा जब आप कहीं जाते हैं तो रास्ते में आपको रेड, ब्लू ऐसे कुछ लाइंस दिखते हैं आपके रास्ते में, ये रेगुलर अपलोडिंग और अपडेटिंग का परिणाम है कि आपको गूगल मैप पहले ही बता देता है कि आपके रास्ते में कहां कहां ट्रैफिक जाम आएगा या किसी भी कारण से आपकी गति वहां धीमी रहेगी, यानी स्पीड कम स्पीड में आपको चलना पड़ेगा, आप ट्रैफिक जाम में फंस भी सकते हैं। तो ये काम है कंट्रोल सेंटर का।
और इसी अपलोडिंग और अपडेटिंग के कारण हमें एक्सपेक्टेड टाइम भी बताता है गूगल मैप, किसका सहारा लेकर, जीपीएस का सहारा लेकर। तीसरा सेगमेंट है इसका यूजर सेगमेंट, इसमें रिसीवर इक्विपमेंट होते हैं, जो स्पेस सेगमेंट के 24 ऑपरेशनल सैटेलाइट हैं, रेगुलर अपने सिग्नल्स हैं वो भेजते रहते हैं, जिनको रिसीवर इक्विपमेंट्स रिसीव करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। यूजर सेगमेंट कैलकुलेट करता है क्या, थ्री डायमेंशनल पोजिशन एंड टाइम, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु स्थिति या किसी जानवर का, किसी का भी हो सकता है, वो उसकी थ्री डायमेंशनल पोजिशन रेगुलर, इससे सिग्नल्स जो रिसीव होते हैं उससे यूजर सेगमेंट इस बात का पता करता रहता है। और जिसको भी उसका पता करना है, जिस अगर किसी जानवर में आपने जीपीएस को सिग्नल्स को रिसीव करने वाली चिप लगा दी, तो आप उस जानवर की या उस गाड़ी की एग्जैक्ट लोकेशन, थ्री डायमेंशनल लोकेशन पता कर सकते हैं। इसके यूजर सिविलियंस हैं, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप इसका ज़रूर यूज करते होंगे। कुछ मिलिट्री, जो यूएस की मिलिट्री है उनके अलाइड फोर्सेज हैं या ऑथोराइज जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं, उनको भी जीपीएस की जो सेवाएं हैं मिलिट्री यूज के लिए अवेलेबल करवाई जाती हैं। ये बेसिकली जीपीएस के बारे में एक साधारण सी जानकारी है। दोस्तों, मैं जो कुछ यहाँ अंग्रेजी में लिखता हूँ, इसके पीछे बेसिक जो पर्पज़ है वो ये है कि मेरे जो टारगेट ऑडियंस हैं वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ अंग्रेजी के शब्द वो इस दौरान जानें, सीखें, उनका अनुवाद करें, बाकी हिंदी में मैं आसानी से लिख सकता हूँ। दूसरों, एक शब्द आपने खूब सुना होगा, नाविक। नाविक एक नेविगेशन प्रणाली है इंडियन कॉन्स्टिलेशंस की, यानी भारत ने भी अपनी खुद की एक नेविगेशन प्रणाली यानी जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम शुरू किया है, लेकिन वो केवल इंडियन कंटिनेंट के लिए। भारत जो कंट्री है और उसके चारों तरफ जो 1500 किलोमीटर की जो रेंज है आउटर बाउंड्री से, वहां के लिए एक नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है। 2006 में इसको मंजूरी मिली थी, 2018 में ये ऑपरेशनल हुआ था। इसमें 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, जो धरती के अगर संदर्भ में बात करें तो स्टेशनरी रहते हैं, और 4 ऐसे सैटेलाइट हैं जो जियो सिंक्रोनस हैं, यानी पृथ्वी से अगर देखें तो वो हमेशा एक ही जगह पे अपने को दिखाई देते हैं। इस प्रकार 7 सैटेलाइट छोड़े गए हैं नाविक के लिए। नाविक की फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशंस। इसका बेसिक जो पर्पज था वो है रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन सिस्टम्स। भारत ये चाहता है कि कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है कि जो ये नेविगेशन प्रणालियां हैं, जो विदेशी नेविगेशन प्रणालियां हैं, वो हमें नेविगेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं करवाएं, उस पर अपना कोई कंट्रोल स्थापित कर लें, तो स्वयं का नेविगेशन, ये डिपेंडेंस, निर्भरता घटाने के लिए, हटाने के लिए, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली आपके पास खुद का नेविगेशन सिस्टम होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 3 मीटर तक की एक्यूरेसी देता है। कौन? नाविक। तो आपके मोबाइल में क्या आप नाविक से सुविधाएं ले सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, इसी को कहा जाता है IRNSS, इंडियन, द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अगर IRNSS आता है, IRNSS अगर आपको पूछा जाता है, मतलब वो आपको नाविक पूछना चाह रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही कुछ नेविगेशन सिस्टम्स और हैं वर्ल्ड वाइड। एक नाम है ग्लोनास, एक है बेइडू, एक है गैलीलियो, एक है QZSS। आप इन चारों नेविगेशन सिस्टम्स के बारे में किताब में या इंटरनेट पे पढ़ना, कमेंट सेक्शन में लिखना कि ये QZSS कहाँ का है। धन्यवाद, नमस्कार।